Hello, Grade Five students. Welcome back to your Maths class. In this video, we'll continue with explanation and textual exercise portion of Chapter number thirteen, Ways to Multiply and Divide. Page number one seventy six. The topic is Satish story. Satish is a thirteen year old boy. His father had taken a loan for farming, but the crops failed. Now Satish's mother has to pay rupees five thousand every month for the loan. अब सतीश जो है वो एक थर्टीन इयर्स का लड़का है उसके पापा ने फार्मिंग के लिए लोन लिया था लेकिन क्रॉप्स ठीक से ग्रो नहीं हुए यानी वो पूरी जो खेती है वो फेल हो गई ठीक है अब सतीश की मदर को हर महीने फाइव थाउजेंड रुपीज़ लोन के लिए देने पड़ते हैं सतीश स्टार्टेड वर्किंग ही लुकड आफ्टर सेवनटीन गोट्स ऑफ द विलेज इसलिए सतीश ने काम करना शुरू किया उसने क्या किया उसके विलेज में सेवनटीन गोट्स थी उसका ध्यान रखना शुरू किया ही अर्नस रुपीज़ टेन एवरी डे फॉर वन गोट उसे एक दिन के लिए एक गोट के दस रुपये मिलते हैं हाउ मच विल ही अर्न इन वन मंथ वो तो वो, वो वन मंथ में कितने पैसे अर्न करेगा सतीश सेवनटीन गोट्स का ध्यान रखता है उसे एक दिन के लिए एक गोट के टेन रुपीज़ मिलते हैं तो पूरे दिन के कितने मिलेंगे वन हंड्रेड सेवेंटी टेन मल्टीप्लाई बाय सेवेंटीन करेक्ट सो रुपीज़ वन सेवेंटी फॉर अ डे हमें क्या करना है वन मंथ के लिए फाइंड करना है तो वन मंथ में कितने डेज होते हैं थर्टी सो वन सेवेंटी मल्टीप्लाई बाय थर्टी तो आंसर क्या आएगा रुपीज़ फिफ्टी वन हंड्रेड सतीश विल अर्न रुपीज़ फिफ्टी वन हंड्रेड इन वन मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ क्या वो हर महीने अपनी मदर को लोन पे करने में हेल्प कर पाए इतना वो ऑन कर लेता है सतीश मदर हैज़ टू पे रुपीज़ फाइव थाउजेंड एवरी मंथ फॉर द लोन और सतीश कितना कमा रहा है फिफ्टी वन हंड्रेड इसका मतलब है सतीश जो है वो अपनी मदर को लोन पे करने में हेल्प कर सकता है हाउ मच विल ही अर्न इन वन ईयर वो वन ईयर में कितनी पैसे कमाएगा तो हम क्या करेंगे देखो वो एवरी मंथ फिफ्टी वन हंड्रेड रुपीज़ अर्न कर रहा है ठीक है वन ईयर में कितने मंथस होते हैं ट्वेल्व तो फिफ्टी वन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व तो क्या आंसर आएगा सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सतीश विल अर्न रुपीज सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड इन वन ईयर फॉर लुकिंग आफ्टर सेवेंटीन गोड्स ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमला बाई स्टोरी नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कमला बाई स्टोरी टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस कमला बाई गुड़े ऑल्सो गॉट अ काओ अब स्टेट गवर्नमेंट ने सब फार्मर्स को हेल्प करने के लिए काओ देने का सोचा तो कमला बाई गुड़े को भी एक काओ मिली द कॉस्ट ऑफ द काओ वॉज सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड

कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे हर काउ के पीछे देखो एक काओ का अमाउंट है सेवनटीन फाइव हंड्रेड एक्चुअल अमाउंट है सेवनटीन फाइव हंड्रेड कमला बाई ने दिए फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो क्या करेंगे सेवनटीन फाइव हंड्रेड माइनस फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो क्या आंसर आएगा ट्वेल्व थाउजेंड हैंस द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड ऑन वन काओ नेक्स्ट क्वेश्चन इन नाइनटीन इफ नाइन पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउस हाउ मच डेड द कोऑपरा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड इन ऑल अब बोला है कि अगर कमला बाई के विलेज से नाइन लोगों को नौ लोगों को और काउ मिलती है तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे देने पड़ेंगे तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो एक काओ के पीछे बारह हजार यानी ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज पे कर रही है नाइन काउस के लिए पूछा है तो ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय नाइन तो क्या आंसर आएगा वन लैख एट थाउजेंड है ना यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को नाइन काउस के लिए वन लैख एट थाउजेंड देने पड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन she had to spend rupees 185 every day on the cow. she made some money by selling the milk. if Kamla Bai spends rupees 185 a day, find out how much will she spend in one month. ab bola hai कि कमला बाई जो है वो daily काओ का दूध सेल करके one eighty five rupees earn करती है. sorry काओ के पीछे one eighty five rupees वो spend करती है, यानी काओ की देखभाल करने में ठीक है तो हमसे पूछा है कि अगर वो एक दिन में वन एटी फाइव रुपीज़ स्पेंड कर रही है तो वो वन मंथ में कितने स्पेंड करेगी क्या करना है सिंपली वन मंथ में कितने डेज होते हैं थर्टी तो वन एटी फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी तो क्या आंसर आएगा रुपीज़ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी अगर एक दिन में वन एटी फाइव रुपीज़ खर्चा हो रहा है तो थर्टी डेज में कितना होगा वन एटी फाइव मल्टीप्लाई बाई थर्टी तो आंसर आएगा रुपीज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काओ गिव्स एट लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे हाउ मच विल इट गिव इन वन मंथ अब अगर एक काओ एट लीटर्स मिल्क दूध दे रही है डेली तो वन मंथ में कितने देगी अगेन वन मंथ इज इक्वल्स टू थर्टी डेज ठीक है तो थर्टी मल्टीप्लाई बाई एट यानी टू फोर्टी लीटर्स यानी एक दिन में अगर आठ लीटर दूध एक गाय दे रही है तो वो थर्टी डेज में टू फोर्टी लीटर्स मिल्क देगी करेक्ट चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मिल्क इज सोल्ड एट थर्टी नाइन रुपीज पर लीटर हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन वन मंथ अगर यही काव का दूध रुपीस थर्टी नाइन पर लीटर से कमला बाई सेल करती है तो वो वन मंथ में कितने पैसे अर्न करेगी देखो वन मंथ में काव दे रही है टू फोर्टी लीटर्स मिल्क वन लीटर का प्राइस है थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय टू फोर्टी तो क्या आंसर आएगा नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी है ना तो अगर ये काव का दूध कमला सेल करती है तो वो वन मंथ में नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ अर्न करेगी ठीक है अब इसके बाद देखो क्या पूछा है हमसे सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काओ वॉज़ डैश एंड मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क इज रुपीज डैश अब उस काउ को रखने का खर्चा कितना है और उस काउ का दूध सेल करके हमें अर्निंग कितनी हुई है वो बताना है देखो मनी स्पेंट फॉर कीपिंग द काओ इज रुपीज़ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इज रुपीज़ नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टेन द मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क इज रुपीज़ थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टेन मोर देन द मनी स्पेंट ऑन काव ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन प्रॉपरली Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.